It is so cold. I don't even know what this shit, yo. Good morning, love. Good morning, Akku. AC बंद कर दो. भाई एक बहुत ज़्यादा ही ठंडा है तो. कभी बहुत गर्म कर देते, कभी बहुत ठंडा कर देते. You can when I am sitting there. ये तो बहुत ज़्यादा. Okay. कहा भाई ये दिस इज अ लोअर बॉडी ना बैठू सी बोल भी हो गया वाह मार खाएगा ना मैं ये मेरे हाथ से यहाँ से निकलने के बाद दिखता नहीं अंधे हो हाँ दिखता नहीं कि अंधे हो मतलब इतने पिंक पिंक बन के आज घूम रहे हैं अंधा हो मैं भी यहाँ पे अक्सर लोग बोलते हैं कि कोई प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं एकदम सही फरमाया आपने अभी अभी आई स्टार्ट फ्लर्टिंग विद प्रदीप क्यों क्यों शहजाद से कर ले शहजाद नहीं नहीं उसने तो मैं बुरा बोला मैं नहीं बोलूंगा मैं नहीं प्राउड करूंगा कल को सच्ची में बॉयफ्रेंड बन गया तू पागल है तू पागल है लेकिन इतने पागल नहीं चल पागली नहीं 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 मेरी आदत है ना रियलिटी शो में बॉयफ्रेंड बनाने की और फिर खुद ही फंसने की तो इसलिए दो डर लगता है करती तो सच्ची वाला करती ना फिर ऐ थोड़ी ना तो प्रतीक प्रतीक से ही फ्लर्ट कर लूंगी फिर तुम करो चेतना से फ्लर्ट फिजा से फ्लर्ट बिठाओ सबको ठीक है डन डन पक्का डील पक्का हाँ तुम फ्लर्ट नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं तो अगर मैं करूँगा तो तुम करोगे हाँ करोगे हाँ तुम हाँ, भी करोगे चार्जेस से कर लूँगा ठीक <से कर लूं। laughs> है नहीं करूँगा मेरे हाथ अच्छे लग रहे बहुत सुंदर लग रहे मुलायम मैं तो एक्सपर्ट हो गया ना मैं किसी पोजीशन में लगा सकता हूँ आई कैन पुट इट इन एनी पोजीशन पकड़ो डब्बा गिरेगा वो डॉट अपनी उंगली पे क्यों लगा रहे हो ओपी हाँ मुझे तुमसे है कितने गिले क्यों इतने दिन बाद मिले बोलो इतने हाँ ये हमारे बीच की दीवार टूटती क्यों नहीं अरे बोलो तो तोड़ दूँ यार ये कौन सी बड़ी बात है पानी में आग लगा देते हैं यार तो तोड़ दो ना मुझसे दूरी सही नहीं जाती अरे प्रोडक्शन वाले हमारी फिर हमेशा हमेशा के लिए दूरी कर देंगे यू कॉलिंग गुगलू ओके तू स्टूल लेके यहाँ बैठ गुगलू जी तेरा बेटा ठीक है
मैं बैठी हुई ऑलरेडी. आप दीपिका ढूंढना हो, आप सैफ हो. हाँ, तो आप बैठ के बात कर रहे हो ऑलरेडी. ठीक है, आप दोनों अभी तू आके बस ये बोल की तू किनके साथ रहता है, ये लड़कियाँ ये ठीक है दोनों. अरे मम्मी मैं आपको मिला रहा हूँ ना अभी. कैसी फ्लैट में है तेरी, वो लड़की छोटे कपड़े पहनती है, ये करती है वो करती है. बेटा गुगलू. हाँ मम्मी, आओ बैठो बैठो. ये तेरा घर है? हाँ मम्मी. बड़ा अच्छा घर है. किसके साथ रहता है यहाँ पे? मम्मी मैं दो लड़कियों के साथ रहता हूँ. कौन है वो नारी लड़कियाँ? अच्छी लड़कियाँ, मैं मिलाती हूँ ना आपको. अरे मीट शनाया. हेलो, हाउ आर यू? हाय नमस्ते. क्या करते हो बेटा आप? कपड़े आपको थोड़े और बड़े नहीं मिले? नहीं, छोटे ढूंढ रही थी. नहीं मिले और मैंने ये कर दिया. मम्मी वो जरा लेट उड़ी थी ना, नहाने गई थी इसलिए. बेटा तू जरा बेटा तू कैसी लड़कियों के साथ रहती है? पक्की शराबी है और ये क्लब अब जाती है. चड्डी देख कितनी छोटी सी पहनी है. कोई नहीं मम्मी, मैं उसे नया कपड़े ला दूँ. दिख रहा है. ए तुम कपड़े वपड़े नहीं पहन सकती क्या बेशरम? मेरी मम्मी के सामने ऐसे चल भी आती ऐसी रहती हूँ ना. आंटी जी आपका बेटा ना बहुत की है वैसे, रोज मेरी टांगी देखता है. आज आपके सामने एक्टिंग कर रहा है सिर्फ. अरे मम्मी ये ना झूठ बोल रही है. तू कल मुई बड़े हुड वाली अक्कू, सोच बाहर जाके क्या 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 करना है. सब कुछ. शादी भी करना है ना? क्या शादी करना है? अभी नहीं. तो बाहर जाके करना है ऐसा बोला? अभी नहीं बोल. हाँ बाहर जाके शादी भी करना है ऐसा बोल. बाहर जाके क्या क्या करना है वो तो नहीं बोला. बराबर है ना? अपन ऐसा कुछ भी खोटा काम नहीं करता. इन लोग चुन लेते बात बात में. मैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता हूँ पहले. I don't remember who said you know you were dating Priyank. So I didn't know who Priyank because they've been taking so many names. I also don't remember half of the name and I have this thing that you know I don't remember people with their name. And then you're like अरे you know that fair guy, pink lips. I said, ha ha ha. I was like, no, but he's gay. They're like, no, no, he's straight. This was one of my reasons of breakup as well. Yeah. I mean, how can you live in a bubble of lies? Someone who's, like, you know, you're we are in a relationship. I should know in and out about him. True. Not past chalega. Chalo, past chhod de. Main samajhti hu, jaane de. Jo bhi past hua, it's okay. But at least what you are right now. It's a mental thing where a guy like Priyank, women love him. Women are crazy about him. Yeah. He fears, I think, somewhere, ki, wo craziness kam na ho jaye. Agar dekho usko apna life socially waise chupana hai, he can, it's his life. But at least not with someone whom you love, na. Mere saath relationship mein tha. Main bolu ki social media mein na chupa gaya. But once again, I feel that you know. You can come out as a role model for so many. Exactly my point. Like Lady Gaga, even she said that she's bisexual. So her fan following or her lovers don't go down. Like when if they go down, for example for me, if my fan following goes down according to my sexual preference, I don't want such fan followings. Right. That you know people are loving me for my sexual preference and they're loving me for me. I'm gay and I'm proud. Yeah. I was like, wow, man, we need more people like her. I am gay and proud. भाई तुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए ना मोहल्ला. भाई मोहल्ला यार मोहल्ले में क्या है? मैं भी हंस रहा हूँ मोहल्ले वाली बात पे. हाँ तो मैं भी बस. तू भी हंस रहा है सुबह मोहल्ले वाली बात पे. अब पता नहीं अचानक से क्यों पागल हो रहा है. कुछ नहीं कहा यार, क्योंकि हमारे बीच में मजाक चलता है ब्रो. मेरे पास भी हर चीज का जवाब है. अगर मैं मजाक कर रहा हूँ तो तेरे को मेरे मजाक बुरे लग रहे हैं तो ठीक है भाई, मैं नहीं करूंगा मजाक. अरे यार हद है, तूने कभी मजाक नहीं किया मतलब है ना. आज तक तूने नॉलेज में कभी मजाक नहीं किया. आज तक तूने कभी मजाक नहीं किया कभी. बस ठीक है, मैं मजाक नहीं करूंगा. देखो लगता है मैं गलत हूँ. मैं अपने आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं गलत हूँ भाई. ठीक है चलो चलो लेट्स मीट आवर हाउस गेस्ट्स बिकॉज आज तो लगेगी उनकी. आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग टुडे पूजा.
वेरी नाइस सर, मेरा भी बता देना। वो तो कभी जवाब नहीं। तुम्हारा बताऊं तुम कैसे लग रहे हो कैंप्स? तुम्हें फर्क पड़ता है? ये ज़ेब्रा और शतरंज का बोर्ड लग रहे हैं। लेकिन आज तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसी ने क्यूटनेस का। फैजी क्या पहना है आपने? अच्छा रैबिट बना है फैजी। अच्छा आप रैबिट बने हो? हाँ। सो फैजी ये रैबिट क्या करता है? तो ये दिव्या बारबी है ये रूम की। अच्छा। और ये दिव्या का रैबिट है। ये दिव्या का रैबिट है। टेडी भी है रैबिट भी है। तो ये बगल में जो सांड बैठा है वो क्या करता है? केन। वो केन है। अच्छा ये केन है, तुम बारबी हो और तुम रैबिट खरगोश हो। पर ये मेरा बच्चा है। और ये बच्चा है। ये इन दोनों का बच्चा। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। क्या है बताओ? टास्क। टास्क ऑफ कोर्स, पर उससे पहले कुछ और है। आज मास्टरमाइंड के घर में वो होगा जो जितनी बार होगा उतनी बार इतना दुख होगा कि एवरी वन ऑफ अस विल फील बैड। आज मेरे घर के 6 कमरों में से 1 कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फैजी क्या हो गया? Why are you crying? कुछ नहीं, आपका भी बताएंगे तो आप भी हमको इनसे सेपरेट कर देंगे। नहीं करेंगे सेपरेट, बताइए आप। हाँ, हमका इन लोगों को छोड़ के नहीं जाना है। तो आपको क्या लग रहा है हम आपको लेके जा रहे हैं? हाँ। नहीं, अभी नहीं जा रहे, अभी तुम यहीं बैठो थोड़ा। आई लव यू। No, no, you love Varo. No, but I love you. As them, I was telling them I do. Achha, thank you. Right now, love is developing everywhere. हाँ. जैसे कि एक जिम रूम में भी हो रहा है, हर तरीके का प्यार हो रहा है, और एक स्टोर रूम में हो रहा है, बहुत डिफरेंट तरीके का प्यार है ये भी। लेकिन आज एक कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और हमें याद रहेगा कि वो कमरा था इस घर में, कहाँ गया? स्पेस खत्म। ऐसे ही करते करते बाय द टाइम वी फिनिश दिस रेस ऑफ एस ऑफ स्पेस, सारे कमरे विल बी आउट ऑफ स्पेस। टुडे नॉट जस्ट यू बट एवरीवन विल गेट अ रियलिटी चेक। फिजा आपके बैग्स पैक्ड हैं? नो। कैंप्स आपके? नहीं सर। आप दोनों ये रूम छोड़ के जा रहे हैं। ये रूम खत्म हो रहा है, इमिजिएटली अपने बैग्स पैक करें, क्विकली, राइट अवे। देखता कौन पहले रूम पैक करता। शट अप यार, स्टॉप इट। रूम बंद हो गया, हमारा रूम बंद हो गया। यार फिजा। यस। लोखंड वाला चलेंगे फिर आज रात को ही घूमने। लोखंड वाला। लेते हैं ब्रेक तो बाद। For the first time I touched deadlocks in my life. The doors open now. Hold on one second. Well, Tanga, aakhri baar. Take care, guns. All the best. Go enter the room that you don't want to enter. There is no room that I would not want to enter. Okay, then go enter the room which you least want to enter. What is room number 6? Pratik Danish, because they are already full of that room. Okay, go and enter kids' room. Back to the pavilion. Be a gentleman, please. Help. Abhiraj, क्या हो गया? बाद में गुस्सा निकाल लेना। Pavilion. Without lenses. छोटी जगह है। इतनी कितनी बड़ी जगह है। Hi Pooja. Again. तुमने जब से एक कार्ड आया ना, ट्रम्प कार्ड हमारे घर में, तब से यही चीजें हो रही हैं हमारे साथ। अरे ओपीएम यहाँ ऊपर तो तुम सोते थे। हम भी आप सोए। कैसा लग रहा है वापस आकर इस रूम में फिजा? न्यूट्रल फीलिंग्स। न्यूट्रल फीलिंग्स? यस। देखो ये मौका दिया गया है तुम्हें, कुछ चीजें रह जाती है ना दिल में दिमाग में, यस, उनको बोल देना चाहिए। यस। तो तुम्हें मिल गया मौका, ठीक है? यस सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। एक और इंसान रह गया उस रूम में, कैमजी। कैमजी, कौन सा रूम आपको लीस्ट पसंद है जाने के लिए? सर वो आकांक्षा और सरदार जी का रूम बहुत शांत है तो वो मुझे कम पसंद है जाना, और इनका ज्यादा पसंद है, मैं इसमें सामने वाले रूम में जाना चाहूंगा क्योंकि रिया को जानता हूँ, दोनों भाई से अच्छी बॉन्डिंग है। चलो ठीक है, जाओ सामने वाले में जाओ। ओ बेबी जिंग जोंग।
for baby zing zong. और भाई क्या हाल चाल है? और बाजी अरे आप आपका इंतजार कर रहा था। ये तो सर, ये तो जुड़वा थ्री है। फिजा ने बोला कि वो बेडरूम में कतई नहीं जाना चाहती। सो हाउ डू यू फील दैट समवन डजंट वांट टू एंटर योर रूम, जबकि आपका रूम सबसे बड़ा है, फिर भी दिल छोटा है आपका? सर नहीं, मेरे को लगता है कि थोड़ा स्मार्ट खेला उन्होंने, वो आई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा चेतना, लड़कियां तुम्हें वैसे ही पसंद नहीं करती हैं, है ना? Yeah. कैसी वाइब्स देती हो तुम? आई लव फिजा एंड फिजा डजंट वांट टू बी विद यू गाइस, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। जिम रूम कैसा फील हुआ आपको जब कैंप्स ने कहा इस रूम में नहीं जाना? We don't know him, he doesn't know us, so it's okay. And someone doesn't want to know you guys also. बहुत ज़्यादा distance है ना, interaction बिल्कुल कम है। मतलब of course, दिल्ली से बॉम्बे का रास्ता है यार, इतना ज़्यादा difference है। वो और इस रूम में maximum distance है, चिल्ला चिल्ला के बात करनी पड़ती है। तो और अच्छी बात होती कोई आपके पास करीब आकर आपसे बात करेगा। Maybe अगर वो हमारे साथ आए तो शायद उसका difference। सारे welcome है, सारे welcome है, पर वो नहीं चाहते यहाँ आना। Maybe he's not going to the gym. Maybe he doesn't like going to the gym. Yeah, it's okay. Maybe he's not a gym person. मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दिस इज अ वेरी इमोशनल टाइम, इट इज। आप लोग को अभी रियलाइज नहीं होगा, जब आप देखोगे तब आपको रियलाइज होगा, क्योंकि ये घर बनने में, हर एक चीज करने में इसकी बहुत मेहनत, बहुत दिल लगाना पड़ता है। और आज इस घर का एक कमरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, बिल्कुल बंद हो रहा है। जितना दुख मुझे इस घर से एक एक करके हाउस गेस्ट को भेजने का होता है, वैसे ही इस घर को एक एक करके बंद होने में भी उससे ज्यादा पेन आता है। इमेजिन, नो वन सेड इट विल बी एन इजी गेम। अभी आपके प्लाज्मा स्क्रीन्स पे आप देखोगे फ्यूचर आप सबका, आप सभी के रूम्स का। बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड गेट योरसेल्फ सॉर्टेड कि आपकी जर्नी क्या है। रूम तोड़ते दिखाएंगे। कहानी खत्म। इसके बाद इतना बचेगा। पिक्चर खत्म। 18 लाइव्स थी और 6 रूम थे, अब 5 रूम है और 16 लाइव्स रह गई हैं। तो ये जर्नी कंटिन्यू करते हुए आज जो मैं इनके साथ करने वाला हूँ, लेट्स सी कितने प्रेडिक्टेबल और कितने अनप्रेडिक्टेबल ये हो सकते हैं और कितने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज ये जो टास्क है ना, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल। एक चीज जो आपके शुभ चिंतकों ने और पीपल हु गाइड यू मस्ट हैव टोल्ड यू टू कीप, जब आप इस शो पे आ रहे थे, क्या चीज आपको पोजेस करनी चाहिए? दिमागी संतुलन, पेशेंस। कैंप्स, क्या लगता है आपको, वो एक दुनिया में रहते हो ना, उस दुनिया से कुछ पता चल रहा है कि क्या होगा आज का टास्क? और कुछ ऐसा होगा कि आपस में सारे फंस जाएंगे। रूम में ही होगा जो भी रूम होगा। रूम में होगा जो भी होगा, रूम में होगा। हाँ। फोकस, पेशेंस, ऐसे बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज मम्मियां बोलती है ना हम लोग को, बेटा कॉलेज जा रहे हो फोकस रखना, बिगाड़ना मत कॉन्सेंट्रेशन अपना, हा? किताबों में। जिम जा रहे हो, ट्रेनर बोलता नहीं लड़कियों को देख लिख नहीं है जाना, जिम में वर्कआउट करना। कॉन्सेंट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो बस यही है, दैट्स द टास्क। हमारा आज के टास्क का नाम है इग्नोर The obvious। हमने आप लोगों को रूममेट्स दिए हैं एक कमरे के अंदर, तो उन रूममेट्स के अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई आए जाए, भूकंप आए, चूहा आए, बारिश, तूफान, कुछ भी हो जाए, व्हाट डू यू हैव टू डू? इग्नोर द ऑब्वियस। जिसने भी इग्नोर नहीं कर पाया उसके पॉइंट्स काट दिए जाएंगे, और जो भी जीतेगा उसको गिफ्ट मिलेगा इस हफ्ते।
जैसे कि बेडरूम मजे कर रहा है. ऑब्वियसली दैट डजंट मीन मैं वापस ट्रम कर तुमको दूंगा. कुछ और होगा, कुछ और अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि यू हैव टू ऑब्वियसली लाइक इग्नोर द ऑब्वियस, यू हैव टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम मी. सो ऑल द बेस्ट, रिमेंबर आई विल बी वॉचिंग. If they make you cry for something about the family, if they show you something, somebody talking shit about you, don't react. All of that will be handled after a task. Nobody will react, not even once. Hear it? Don't even like cry. Yeah? We can talk to each other. They can talk to each other. रोना रहा हो तो कहाँ है करने लग जाओ. मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको honestly बोल रहा हूँ. मैं सुस्त करके आया हूँ. बाथरूम में कुछ नहीं आएगा, जिसको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो बाथरूम में आराम से जाएगा, जो करके आगे. ठीक है, अंडरस्टूड? दिस मोमेंट ऑन नो आउटसाइड कॉन्वर्सेशंस. टेल मी वन थिंग. मैं तो ठीक सोते रहो ना, लेटे रहो. सुनो, माय क्वेश्चन इज, वी डोंट हैव टू लाइक, वी हैव टू जस्ट इग्नोर व्हाटएवर कम्स टू अस. नो नो नो, नॉट इवन इंटरैक्ट आउटसाइड. नो गुड नाइट. आई एम नॉट सेइंग दैट. सेड दे विल, जो भी होगा वो अभी दे लाइक, इवन इफ दे मूव द वॉल्स और एनीथिंग हैपेंस, वी हैव टू जस्ट इग्नोर इट एंड एक्ट एज़ इफ कुछ हो ही नहीं रहा है. वी हैव टू जस्ट टॉक अमंगस्ट, जो हमेशा रोज करते रहते हैं अमंगस्ट द थ्री ऑफ अस, नो आउटसाइड कन्वर्सेशन. हां, जो हम रोज करते रहते हैं वही करना. आई डोंट नो व्हाट इट इज, सो लेट्स जस्ट स्टिक टू द थ्री ऑफ अस, दैट्स इट. प्लीज, वी हैव टू विन चेतना, रिमेंबर? आई नो. बस खत्म हो गया बच्चा. चूहा वो बिल्ली, जो मर्जी हो, डरना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, कुछ नहीं करना. पॉइंट्स कटेंगे. चिल करो. हम ऊपर ऊपर खड़े हो जाते हैं फिर. ऊपर खड़े हो जाओ, कोई आपकी मर्जी है. बड़ा ऑब्वियस भाई, जो आंखों के सामने से जाता है हमेशा, और आप उसको कभी भी देखना भी नहीं. नहीं, देखना नहीं, जैसे ऐसे यूं पलट के देख लिया तो खेल खत्म. तो अपने में बिजी हो गया फिर. क्या हुआ कहानी से? हम कहानी में थे सर, उसमें डूब जाते हैं हम. भाई उस टाइम स्टार्ट करेंगे चेतक की कहानी. अब कुछ भी हो जाए टीम है. तो चला कांक्षा भी चुपचाप उठा के इधर ले रहा है. हां और क्या, कुछ भी हो सकता है. हां हां, ऐसे आ रहा है. भाई तुम्हारे वीक पॉइंट्स को ही देखेंगे यहां पे. इजा गाइस, आई वांटेड कॉफी. नो शहजाद, यू वांट कॉफी? नीट इट शुगर, शुगर के साथ, शुगर के साथ. डज एनीवन वांट ग्रीन टी? नहीं नहीं, आई एम मेकिंग कॉफी ओनली. गरम गरम पिज्जा. तो मैं अपना वर्कआउट करना स्टार्ट करूं? हाँ हाँ, मेरे को भी आज साथ में करना है वर्कआउट, प्लीज. ब्रशेस यहाँ पर. मायशा, व्हाट आर यू डूइंग? नीट एंड टाइडी. मायशा, कॉफी पी ले यार, जल्दी आ जा. तुमने दूध लेके आओ. मैं खत्म हो चुकी हूँ आज, एनर्जी खत्म हो चुकी है मेरी. बाहर निकाले बोलो. रात में करेंगे ना, ऐप्स करेंगे. आपको तो बहुत पसंद है यार, स्किपिंग के लिए जगह कहाँ बाकी है. नहीं बट तब भी अगर मैं फेक स्किपिंग कर लेता हूँ. नहीं, कोई सीन ही नहीं है. मायामी, आई एम इन मायामी. आई एम सो सॉरी गाइस, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग. दिस इज को, दिस इज को, लेट मी मेक माय कॉफी. हां हाय, मुझे लग रहा है मुझे आराम निरंजन. मैं तो उसको बोला था, मेरे को तो चाहे कोई भी खाना भेजे, ये भेजे, हम तो यही कर देंगे भाई साहब. मेरे को तो डॉक्टर लोग से एक ना मिलने में बिल्कुल वाहियात लगता है. डॉक्टर हो या वकील हो, आई हेट इट. आई डोंट लाइक टू मीट एनीवन हु इज लाइक दिस. वरुण, तुम्हें कभी डर नहीं लगता है डॉक्टर से? मैं तो डॉक्टर बिल्कुल नहीं था. आई वाज इन फोर्स ना, आई हैड टाइफाइड फॉर 4 मंथ. मेरा इतना है ना कि मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ता. नहीं नहीं, आई हैड टाइफाइड. अगर बीमार पड़ता तो आई विल, आप निरंजन, डॉक्टर सेड दैट आई विल डाई इन लाइक 4 मंथ्स बिकॉज़ आई वाज. दीस डॉक्टर्स आर बिगेस्ट. आजकल ना ये व्हाइटनिंग इंजेक्शन भी निकले हैं. इट एक्चुअली, हाँ,
ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस होते हैं, ये अगर आप लगाओ, मैं तो कभी ना हो पाऊं, बाप रे मेरे को तो इतना अजीब लगे, इससे ज्यादा तो एकदम भूत लगने लगूं मैं। तुमको नहीं लगता है? भूत लग। What do you think about? फिलहाल तो खरगोश लग रहा हूँ, भूत नहीं लग रहा मैं। हाँ भाई नहीं बोलने का, सॉरी। वो सब तो मैं एक बात बताओ, लेकिन ग्लूटाथायोन फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई सर्जरी करानी है तो आर्मी हॉस्पिटल में वही सब होगा जो अगर कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं। तो मैं पता है मेरे एक फ्रेंड ने भी टैटू रिमूवल किया था, उसने इतना ये किया जाके हॉस्पिटल चेंज करना ही पड़ा। जो आर्मी हॉस्पिटल होते हैं उसमें डॉक्टर होते हैं, जो एक्चुअली बोल रहा था ना अंडर आइज के लिए जहाँ जाना है वहाँ पे। तुम्हारा भी जो टैटू का था ना उससे भी, तुमने मेरा टैटू देखा है कितना लाइट है ना। बता तुम दोनों ने कभी नाक का जुमला निकाला? तो बोल रहा हूँ अभी निकाला नहीं। तो पता है एक बार ना ऐसी मैं कॉन्सर्ट के लिए गया था, वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, मुझे इतनी इरिटेटिंग लगी कि यू वोंट बिलीव, मैं नाक का झुंगा निकाल कर उसके घर उसको झुंगा नहीं बोलते, क्या बोलते उसको? नाक का झुंगा वही बोलते हैं। शेबड़ा? सेबड़ा, सेबड़ा, वो वो। वन सेकंड। सेबड़ा। गीला वाला सेम्बड़ा होता है। सेम्बड़ा होता है। सेम्बड़ा। ओ। मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा था, छेना सेम्बड़ा नहीं होता, मैं एक बात बताऊँ, जस्ट बिकॉज़ तू गुजरात, मैं फ्रेंड से गुजराती, जस्ट बिकॉज़ तू गुजराती, इसका भी नाम गुजराती में रख दी, सेम्बड़ा, हेवड़ा, नहीं बट ये हेवड़ा, सेम्बड़ा, मेवड़ा, यू नो इट साउंड्स ऑल लाइक सेम, दैट्स व्हाट आई फेल्ट दैट यू नो के है ना ये वैसे ही कुछ होगा। In the end, she slapped me so hard, मेरे कान से सीटी बजने लगी बहन। बहुत कभी कभी ना बहुत जोर से लगता था। कभी कभी हाँ। और फटता नहीं था। पर मेरे तो एक ही चीज़ है सुनो। उनकी यहाँ लगी थी, सिंचे कड़ी हुई थी, रख करके लगी उनके। मेरी मम्मी के ऊपर जब मैंने फेंका ना, मेरी मम्मी खुद हंसने लग गई। बोली कैसी पता क्यों मैंने? बोले गे तो गे, निशाना भी लगा रहे नहीं आता इसको। रे लड़की मस्त मस्त तू, रे फिर से बोल जरा जो तू बोला, रे देख के तुझको दिल आएगा डोला, रे डुक चुका डुक चुका डुक चुका डुक। आइला रे लड़की मस्त मस्त तू, आइला रे लड़की मस्त मस्त तू, आइला रे से पूरा चरा के नहीं लाया, ऐसे उठा के लिया तो कहने का मतलब कि इनकी भूख खत्म नहीं होती है, भूख खत्म नहीं होती, इनको चुरा चरा के नहीं लाते हो तुम ढंग से। हाँ तो क्या वो कहते हैं कि नहीं प्रभु हम तो ढंग से चुरा के चरा के लेके आते हैं, मगर क्या है कि ये पशु ही ऐसे हैं कि इनको बार बार भूख लगती है और इनको कुछ भी खाने के लिए दे दो ये खाएंगे। तो क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल मैं चराने लेके जाऊंगा। कृष्ण भगवान ये होते हैं, कृष्ण भगवान ये होते हैं ना, सुनो कृष्ण भगवान ये होते हैं, कृष्ण भगवान ये होते हैं कि उनको गोचर क्यों कहा जाता है, देख लो गाय चरा देते, मिलना हो तो गाय चरा देते है तुम्हारे पास, जैसे अपन टाइम का चांस है, ठीक है आपने भी तुम्हारे पापा के रोने के चक्कर में है तो अपन को वापस कहेंगे ये खा लो तो अपन खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे, नहीं रोना तो क्या गाय और ये क्यों खाती है कृष्ण भगवान के कहते हैं यहाँ आने के बाद वापस क्यों खाती, तुम अगर धाप के चरा के लाए हो तुम्हारे पास नहीं खाते, वो नहीं खाते 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 रहते हैं एग्जैक्टली वही तो देख लेना कि वापस आके खाएंगे तब भी खराब करोगे। अभी बोल देता हूँ शंख नहीं बचता, आपकी बेटी नहीं मिलना चाहते, और वो नाभि में से आवाज आती है और वो उछल के चला गया 50 फुट दूर, एक तीन सेकंड के टाइम में उछल के 3 सेकंड में तुम्हें पता है नहीं घटा पागल, इधर जंजीर पड़ी है, इधर जंजीर और वहां से वो शंख उठो शंख नाभि में से बज रहा था, पता है नाभि चाहिए तुम्हें वो स्ट्रेस के लिए, घटक घोड़े का नाम घटक कच तो उसके बेटे का नाम था, ये उनकी आदत होती है, मगर आदत क्यों होती है तो है ना कृष्ण भगवान क्या वो लेके गए और क्या तुम आराम से धाप के खाओ, वो बैठ गए कृष्ण जी हाँ नदी के किनारे यमुना किनारे बजाते रहे, उनको खाने दिया, रात हो गई उसके बाद लेके आए गए अब तो ये नहीं खाएंगे, वो लेके गए और जैसे उनको लेके गए घर पे चारा पड़ा था, जाते चारे में मुंह डाल दिया सबने, कृष्ण भगवान की खोपड़ी चुकी, साला सुबह से चरा के लाया मुंह पे धर दिया दम, उनके ऊपर के दांत टूट गए। ओ क्या हो गया? कुछ नहीं, आ जा अलग ही सोच में चले गए तुम लोग, मुझे बोलना नहीं छोड़ो, क्यों नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना,
दिमाग है तो समझ जाओ सब। चेतना ना, दूध वाला मैं तो कह रहा हूँ, भाड़ में जाए दुनिया सारी, exactly. जाम लंगर मारो बाड़ी। राजस्थानी तो ऐसी बात कर रहा था। पूजा का, अरे मेरे को तो वो बड़ा सच्ची बातें जो थी ना, अप डाउन बंदा ऐसा लगता था मुझे, बट सीरियसली बंदा तेरा उदा। एक बात बताओ एलिमिनेशन में जब वो गया तो उसी कपड़े की बात कर रहे थे आप, जो पैंट पहन रहा था चमकीला, इसको पकड़ के। अच्छा, इन कैंप्स ने हमारे बारे में कुछ बोला? राजस्थान भाइयों के बारे में? अच्छा, मेरी बात का भी जवाब दो यार। मैडम दूध बोलो आंटी, गाड़ी की स्टोरी सुनो। अब आया पॉइंट असली, हम जाते हैं उधर ऑडी के शोरूम, ऑडी के शोरूम जाते हैं, मैं जाता हूँ डॉलर लेके, 5,000 डॉलर यानी कि इंडिया का 1.5 लाख रुपए एडवांस देने। तो वहाँ पे वो गाड़ी बिक गई। कौन कौन सी गाड़ी? ऑडी, क्योंकि हम वो लेने जा रहे हैं ना। तुम्हें पता है मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है सुबह के अलार्म्स में। हाँ। मैं ना समझ में ही नहीं आता है। और जब अलार्म बजता है मेरे को ये भी नहीं इतना समझ में आता है कि है ना कौन सा बजा, या हमारे रूम का बज रहा है कि बाजू वाले के रूम का। सबसे बुरा था फर्स्ट वाला। क्या सुना आपने? मार दिया था भाई। हाँ, गरम गरम आवाज आई फैजी, आप किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। तो आपने कम कर दिया था उसको। हाँ, मैंने सीधा बंद कर दिया तो बाजू वाले लोग चिल्लाने लगे। अरे आप तो खाओ। क्या हुआ था? खाओ पिज़्ज़ा। क्या हुआ था कि डॉगी आया वो रूम पे, तो समायरा की आवाज आई। ठीक है, आई सर आई एम यूज्ड टू इट। हां वेरी गुड, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ बेबी इन द हाउस। जब भी लगाती हूं मैं दांत पे लग जाती है यार। तुम्हारा हाई लूज कैरेक्टर का करेंगे तुम्हारा। व्हाट? हां, व्हेनेवर यू पुट लिपस्टिक ना, मेक श्योर यू पुट लिप बॉट टेस्टी है नहीं करते हैं, सर पे चढ़ी कनिया में मुंह। अरे टीचर जी, आज तो तुम एकदम बैठे खरगोश लेके। टीचर जी पूरा रख दूं? टीचर जी खरगोश लेके बैठे हैं, थोड़ा उछल के दिखाइए। ये बनी बना पड़ा है, वो चलेगा। अरे वो तो पूरा है, तो इतने बना रखे है, तो पकड़ा गए है इस पे। कल जो ड्रेस पहनी थी क्या ललन टॉप लग रही है, मजे आ गए थे। आप फूके, हम मजा आया हुक्का का, हमने टेस्ट नहीं लिया काफी टाइम से। वो बड़े वाले करने के लिए कैसा लेटा है, थोड़ा देखा तो इसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। एक टाइम पे भड़केगा, पिया बोल आंटी आऊं क्या?
चिल्ला क्यों रहे आराम से गाओ लड़का को मिला No, if I wear shorts now and I just like keep the front coat open, it'll look damn hot. अरे अरे अब 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 क्या करेंगे? अब तो नहीं घर में चोरी करने आएंगे और ये वो घर में लड़की देगी, ठीक है? मैं नींद में चल रही हूँ. चलो, सेट, सो जाओ. हैं? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ. दरवाजा इस तरफ है सर. दरवाजे से हम अंदर घुस चुके हैं बेवकूफ. दरवाजे से अंदर घुस चुके हैं हम. अच्छा तो तेरा होश है? ओके सर. तेरे को होश है कोई? नहीं सर. तो बस फिर आगे आ जा. हाय. ओके सर. ये पकड़. ओके. बाहर इसको बैग में डाल. इससे पहले कोई देख ले. सब्जी मैं समझ गया. मैं कर रहा. इससे पहले कोई देखे. आप आगे बैग में. ओके कौन देखेगा पक्का. क्या कर रहे हो? इसको बैग में भर. इसको बैग में. अरे बैग में भर इसको. फिर मरवाएगा ये. ओ यू कॉल द पुलिस. ओ हेलो. गो अवे. चोर. रामनंद. गो. मैं तो चारे लाये. चोर. दोबारा फंसवाएगा. मैं पुलिस को फोन करूंगी. हेलो जी. एक्चुअली ना हमारे घर पे पुलिस आ गई है. प्लीज. सॉरी सॉरी सॉरी. चोर आ गया है. साहब जी मेरे को प्यार हो गया. ही इज गोना किल मी राइट नाउ. राइट नाउ. राइट नाउ. मैं भी आया. इट्स ओके. हां प्लीज प्लीज कम फास्ट. साहब जी मेरे को प्यार हो गया. इट्स ओके. ओह माय गॉड. साहब जी इट्स ओके. इट्स ओके. पुलिस क्या कर रहे हो? चोर है. ए क्या कर रहे हो यहां पे? ए साहब जी तू क्या कर रहे हो यहां पे? चोर है. चोर. अरे तू क्या कर रहे हो यहां पे? चल मैं बता रहा हूँ. तू यहाँ पे चोरी करने आया? चोरी बैठ. तो बैठ. अब मुझे बता तूने लड़की को गलत तरीके से हाथ कैसे लगाया? नहीं लगा. मुझे पाव लग गया गलती से. मैं चोरी कर रहा था. नहीं किसने लगाया? साहब जी. साहब जी नाम. साहब जी क्या उसका? साहब जी मुझे नाम बताइए. कैसे करते हैं? मैं तुमको गोली मार दूंगा. नाम बता मेरे को. मुझे नाम बता. लड़की से दूर. और वैसे जानकारी छोटी छोटी कमल स्कूल जाते थे. अभी आते हैं. चोर भाग गया. भाग क्यों रहा? भाग क्यों रहा? चोर. मुझसे नहीं जीत सकता. ठीक है. मुझसे नहीं. हंस क्या रहा? हंस क्या रहा? हंस क्या रहा? एक्टिंग तो करने से हंस रहा है. बाहर आओ. बाहर आओ. मैंने तुम्हें बचा लिया. बाहर आओ. रामेश्वर नाथ बाहर आओ. सही से कर लो. क्या कर रहे हो तुम? उसे उसे प्लीज. चलो बाहर आओ. वो आएगा फिर से वापस. माय गॉड. कड़ी लगा के बैठे अंदर. रामेश्वर नाथ हमें पता है तुम अंदर हो. बाहर आओ. इससे पहले मैं दरवाजा तोड़ दूं. इज देयर वाटर हियर? रामेश्वर नाथ तुम यहाँ बैठो. चाहे तुम वापस आ गया है. चाहे तुम हाई पोस्ट पे हो. मेरे को पानी चाहिए. जस्ट डोंट टॉक टू मी. एटलीस्ट टेल मी वेयर द वाटर इज. वही उसके चोर के मुंह पे नाखून करके इसी जगह पे. और उसकी आंखें हैं तुम्हारी. तुम अब से यहाँ पे इसको आप जेल के अंदर बंद कीजिए. ये बहुत ही डेंजरस है. ये मेरे घर पे कभी भी आ सकता है. मेरी बात को ध्यान से सुनो. तुम्हें तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी. मैं तुम्हें इतनी पगार दे रहा हूँ इसलिए नहीं कि तुम चोरी करो. आज तो फिर ये नौबत आ गई कि तुम लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हो. उसके घर जाके सर तुम्हारा कॉल आया पुलिस स्टेशन में. मैं तुम्हारे पीछे इनके पीछे आया. रामेश्वर नाथ मेरे साथ झूठ. मैं चोर नहीं हूँ. मैं तुम्हारे फोन में यहाँ पे आया हूँ. ये लड़की पागल मेंटल. सॉरी जी. बदतमीजी नहीं करनी लड़की से. पर सर आई वांट माय डायमंड ज्वेलरीज बैक. We'll be right back.
फॉर ऑल व्यूअर्स जो कि हर एक हाउस गेस्ट से उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे कि मैं, आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग मौका है. यू कैन ऑल्सो बी अ मास्टर माइंड फॉर अ डे. जस्ट डाउनलोड वूट, लॉग ऑन टू इट एंड क्लिक ऑन मैं भी मास्टर माइंड बैनर टू एंटर द कॉन्टेस्ट. इसके लिए क्या करना है, सिंपल, यू हैव टू मेक अ वीडियो टेलिंग कि अगर आपको एक दिन के लिए मास्टर माइंड बना दिया जाए तो आप हाउस गेस्ट से क्या करवाएंगे. द मोस्ट इनोवेटिव video and the idea will get a chance to be a mastermind for a day with me Vikas Gupta on MTV Ace of Space. So what are you waiting for? Think and send us the video right now.